सुरक्षा बलों के सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद खूंखार नक्सली बिलों में जा छिपे हैं। सुरक्षा बलों के हमले ने उनकी ऐसी कमर तोड़ी है कि वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब नक्सलियों ने बैनर पोस्टर के जरिए हमले का बदला लेने की गीदड़ भभकी दी है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में चस्पा ये पोस्टर नक्सलियों की खोखली धमकी की गवाही दे रहे हैं। इन पोस्टरों के जरिए नक्सलियों ने देश के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में बड़े हमले की धमकी दी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना की सीमा पर हिडमा की मौजूदगी में करीब 250 नक्सलियों ने डेरा जमा लिया है। इन हमलों को अंजाम देकर नक्सली हाल में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मारे गए अपने करीब 50 साथियों की मौत का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन जंगलों में तैनात हमारे जवान उनके मंसूबों को पानी फेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत खतरनाक जंगल है, सुबह रात सर्चिंग चलती रहती है जंगल में। जंगल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम नक्सलियों के दांत खट्टे करके दिखाएंगे। गर्मी सर्दी ठंड का हम पे असर नहीं होता, हम नक्सलियों के दांत खट्टे कर देंगे। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर दी है। साथ ही VIP और VVIP को भी सतर्क कर दिया गया है। सेना के हेलीकॉप्टरों को भी खास इलाकों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सारे ही जिलों में SP अपने जो पैरामिलिट्री के जो उनके काउंटर पार्ट हैं, DIGs हैं, चाहे वो CRPF के हों, BSF के हों, ITBP के हों, उनके साथ मिलकर इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशंस चला रहे हैं और वो आगे भी चलाए जाते रहेंगे। इस बीच सूबे के कोंडा गांव में गांव वालों के बीच नक्सलियों की पैठ कम करने के लिए पुलिस ने एक अनोखी मुहिम चलाई है। पुलिस ने स्थानीय भाषा में 5 गाने तैयार किए हैं और बच्चों से बड़ों के बीच उन गानों की मदद से संवाद स्थापित करने की पहल की जा रही है। पुलिस का ये कदम नक्सलियों की उस रणनीति से निपटना है जिसमें वो अपनी नाटक मंडली के जरिए स्थानीय लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पुलिस की इस मुहिम ने रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हमारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन में कुछ गैप कर रहा है, तो इसी बेस पे हमने सोचा कि क्यों ना उनकी ही बोली पर, उनके ही भाषा पे कुछ गाने तैयार किए जाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि चेतना नाट्य मंडली CNM वो इसी प्रकार काम करती है कि उनके बीच घुस जाती है, उनके लैंग्वेज को स्टडी करती है और उनके ही भाषा में उन्हें बरगलाती है, शासन के खिलाफ खड़े करती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके हथियार से उन पर हमला किया जाए और हमने हल्बी और छत्तीसगढ़ी बोलियों पे एक एल्बम तैयार किया बस्तर पुलिस नवा अभियान के नाम से, जिसमें 2 छत्तीसगढ़ी के गाने हैं और 3 हल्बी के गाने हैं। साफ है पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को हर मोर्चे पर मात देने के लिए कमर कस ली है, लेकिन नक्सलियों की हमले की धमकी को सुरक्षा बल पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं, लिहाजा 3 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।